वेलकम टू वरुण मैथ ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक और बीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स। पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। इसमें अपन दो टॉपिक को कवर करेंगे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, जिसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सेकेंड है लैग्रेंजेस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। आज अपन इसको देखेंगे, लैग्रेंजेस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स क्या है और इसका यूज़ अपन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो लैग्रेंजेस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स को देखते हैं। देखिए, लैग्रेंजेस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स ये इंटरपोलेशन निकालने का एक मेथड है। इसमें टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी मैथड है। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मान लीजिए कि अपने पास जो डेटा गिवन है वो x इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ है। इसके कॉरिस्पॉन्ड्स अपने को एफ एक्स या जो y है वो ऐसा दिया हुआ है, वाई ज़ीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एंड सो ऑन, है ना। आपको किसी एक पॉइंट पे वैल्यू पूछेगा, इंटरपोलेशन की वैल्यू पूछेगा, तो अपन को किस कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। लैग्रेंजेस का फॉर्मूला अपन लिख करके बताते हैं कि कैसे उसको अपन याद रख सकते हैं और इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए लैग्रेंजेस का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा आप टेक्निक से याद रखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जिस भी पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, इंटरपोलेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, उसकी वैल्यू है एफ एक्स इक्वल्स टू, आप ना यहाँ पास वाई ज़ीरो लिख लीजिए, ये वाई ज़ीरो याद रखने का तरीका है। तो यहाँ से एक्स ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स टू, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स थ्री, एक्स ज़ीरो माइनस एंड सो ऑन लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसको डैश 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 एक्स ज़ीरो माइनस, यहाँ वाई ज़ीरो रहेगा, फिर यहाँ क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो लिख चुके हैं उसको नहीं लिखना है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन, एक्स माइनस एक्स एन, ऐसा लिखेंगे। प्लस ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ आप y1 लिख लीजिए और डिनोमिनेटर को पहले लिखिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये x1 से स्टार्ट होगा, x1 माइनस एक्स ज़ीरो, फिर x1 माइनस एक्स वन नहीं करना है, फिर आपको x1 माइनस एक्स टू लिखना है, फिर x1 माइनस एक्स थ्री लिखना है एंड सो ऑन, यह लिखेंगे x1 माइनस एक्स एन, और यहाँ चालू करेंगे x माइनस एक्स ज़ीरो से, फिर x1 यहाँ नहीं लिखना है, x माइनस एक्स टू हो जाएगा, x माइनस एक्स थ्री हो जाएगा एंड x माइनस एक्स एन हो जाएगा। प्लस यहाँ आप यदि y2 लिखते हैं तो आपको स्टार्ट करना चाहिए x2 से, एक्स टू माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स टू नहीं लिखाएगा, एक्स टू माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन, एक्स टू माइनस एक्स एन, ऐसा लिखाएगा। फिर ये क्या है, एक्स टू न्यूमरेटर में एक्स टू नहीं रहेगा, ये होगा एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स माइनस एक्स वन, और x माइनस एक्स टू नहीं लिखना है, x माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन, x माइनस एक्स एन, ये होगा। y थ्री में लिखेंगे, y टू y थ्री में लिखेंगे तो आप पहले डिनोमिनेटर को लिख लीजिए y थ्री, तो ये हो जाएगा x थ्री माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और x3 माइनस x3 नहीं लिखाएगा, डैश डैश x3 माइनस एक्स एन, यहाँ पास लिखेंगे x माइनस एक्स ज़ीरो,
एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री नहीं लिखाएगा, एक्स माइनस एक्स एन। ये याद रखने का एक तरीका है, आप इसको याद रखेंगे, इसमें टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, केवल फॉर्मूले में यहाँ जो वैल्यू दी रहेगी उस वैल्यू को आपको पुटअप करना है और उसको कैलकुलेट कर देने से आपका लैग्रेंज मेथड से इंटरपोलेशन की वैल्यू आसानी के साथ निकल जाती है। केवल आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के देखते हैं इसके ऊपर। देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन द वैल्यूज x इक्वल टू 5, 7, 11, 13, 17, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू जो है 150, 392, 1452, 2366, 5202 ये गिवन है। अपने को निकालना है इवेल्युएट f9, 9 पर इंटरपोलेशन निकालना है, टेबल के बीच में एक वैल्यू है 9, 9 की वैल्यू निकालना है। डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो है 9 का इन दोनों के बीच में आएगा। जब भी आप आंसर निकालेंगे तो इसको ज़रूर चेक कर लेंगे कि जो भी आंसर आएगा 9 का वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में आपका आंसर आ रहा है तो करेक्ट होगा बाय यूजिंग लैग्रांजेस फार्मूला। क्योंकि लैग्रांजेस फार्मूला में कोई टेबल नहीं बनता, केवल फार्मूला ही अपन यूज़ करते हैं और बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, तो इसको याद करने का भी ट्रिक्स मैं अभी आपको बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ। यहाँ फार्मूला लिखा हूँ, ये y जीरो रहेगा तो आप पहले डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, y जीरो रहेगा तो x जीरो माइनस एक्स वन, x जीरो माइनस एक्स टू, x जीरो माइनस एक्स थ्री, x जीरो माइनस एक्स एन, यहाँ तक ले जाएंगे। जो x जीरो से स्टार्ट करेंगे वो ऊपर में नहीं रहेगा, ये सीधा x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन ये चलेगा। y वन के लिए डिनोमिनेटर में x वन से स्टार्ट होगा, फिर डिनोमिनेटर में x1 माइनस x1 नहीं रहेगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x1 नहीं रहेगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, x1 ऊपर में नहीं रहेगा, देखिएगा x माइनस x0, x माइनस x2, x1 को ऊपर में नहीं लिखना है। सेम चीज़ वही है, y2 यहाँ रहेगा तो x2 से स्टार्ट होगा, यहाँ x2 माइनस x2 नहीं रहेगा, x2 माइनस x3 रहेगा और ऊपर में x माइनस x2 आपको नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला याद करने का मेथड है, बहुत इजी फॉर्मूला है, आप बहुत आसानी के साथ इसको याद रख सकते हैं। तो इसका कोई भी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी फॉर्मूले से इंटरपोलेशन अपन निकाल सकते हैं, लैग्रांजेस का ये फॉर्मूला है। सॉल्व करने का क्या मेथड है, देखिए यहाँ पास सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हियर एक्स जीरो इज इक्वल्स टू 5, एक्स वन इक्वल्स टू 7, x2 equals to 11, x3 equals to 13 और x4 equals to 17। ये अनइक्वल इंटरवल है, देखिए अनइक्वल इंटरवल है। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 का है, इसमें 4 का डिफरेंस है, तो ये अनइक्वल है। ये हो गया x0, x1, x2, x3, x4, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्ड y0 क्या दिया हुआ है, y0 इक्वल्स टू 150, y1 इक्वल्स टू 392, y2 इक्वल्स टू 1452, y3 इज इक्वल्स टू 2366 और y4 इक्वल्स टू 5202। अपने को क्या करना है, फाइंड x इक्वल्स टू 9, 9 पे वैल्यू निकालना है, x इक्वल्स टू 9, ठीक है। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, ये पूरे वैल्यूज को लैग्रांजेस के फॉर्मूले में अपन रख देंगे, ठीक है। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला, तो अपने को क्या मिलता है, देखिए x की जगह में आपको 9 पुटअप करना है, तो ये हो जाएगा f9 इक्वल्स टू x, x मतलब 9 है, 9 माइनस x1, x1 की वैल्यू है 7, 9 माइनस 7, फिर हो जाएगा 9 माइनस x2 की वैल्यू है 11, 9 माइनस 11, फिर हो जाएगा 9 माइनस x3 की वैल्यू है 13, फिर 9 माइनस x4 की वैल्यू है 17 और डिनोमिनेटर में आएगा x0,
एक्स जीरो की वैल्यू है 5, माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू है 7, फिर है एक्स जीरो 5, माइनस एक्स टू की वैल्यू है 11, फिर है 5, एक्स थ्री की वैल्यू है 13, फिर 5, एक्स फोर की वैल्यू है 17, और यहाँ पास वाई जीरो की वैल्यू रख देंगे, वाई जीरो की वैल्यू है 150, प्लस में रखेंगे। देखिए फिर प्लस में इसकी वैल्यू रखेंगे, ये क्या है एक्स 9 माइनस एक्स जीरो 5, 9 माइनस 5, फिर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स वन ना लिख करके एक्स टू लिखेंगे, 9 माइनस 11, फिर ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स थ्री की वैल्यू 13, फिर ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स फोर की वैल्यू 17, ऑल डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू लिखिए एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितना है 7, माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो की वैल्यू है 5, फिर ये हो जाएगा एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू है 7, माइनस एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू है 11, ये है 7, एक्स थ्री की वैल्यू है 13, ये हो जाएगा 7, एक्स फोर की वैल्यू है 17, और यहाँ पास आपको वाई वन रखना है, तो वाई वन इंटू में कितना हो जाएगा 392। उसी प्रकार से सभी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स, एक्स मतलब 9, माइनस एक्स जीरो 5, उसके बाद हो जाएगा 9, एक्स वन की वैल्यू कितना है 7, फिर 9, एक्स टू नहीं लिखाएगा यहाँ, एक्स थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू कितना है 13, फिर 9, एक्स फोर की वैल्यू कितना है 17, और डिवाइडेड बाई एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू कितना है 11, माइनस एक्स जीरो की वैल्यू है 5, फिर हो जाएगा 11, माइनस एक्स वन की वैल्यू है 7, फिर हो जाएगा 11, माइनस एक्स टू ना रह करके एक्स थ्री रहेगा 13, फिर 11, माइनस 17, और ये वाई टू की वैल्यू है, यहाँ कितना है वाई टू की वैल्यू, वाई ज़ीरो वाई वन, वाई टू की वैल्यू है यहाँ 1452, ठीक है। प्लस इसमें देखिए एक्स की वैल्यू है 9, माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 9, माइनस एक्स वन की वैल्यू है 7, ये हो जाएगा 9, एक्स टू की वैल्यू है 11, 9, एक्स थ्री की वैल्यू यहाँ पुटअप नहीं होगी, सीधा एक्स फोर की वैल्यू पुटअप होगी, ये क्या है 17। अब देखिए ये वैल्यू को मैं इधर लिख दिया, यहाँ से एक्स थ्री की वैल्यू लिख रहे हैं, एक्स थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 13, माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 13, माइनस एक्स वन की वैल्यू 7, 13, माइनस एक्स टू की वैल्यू 11, फिर 13 माइनस 13 नहीं होगा, 13 माइनस 17, और ये हो जाएगा 3 की वाई थ्री की वैल्यू 2366। फिर अब ये लास्ट बचा है प्लस, देखिए इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसका, एक्स मतलब 9 माइनस एक्स ज़ीरो 5, फिर हो जाएगा 9 माइनस एक्स वन, एक्स वन 7, फिर 9 माइनस एक्स टू 11, फिर 9 माइनस एक्स थ्री 13, फिर ये 9 माइनस एक्स फोर नहीं होगा यहाँ, है ना, फिर ये एक्स फोर कितना है, एक्स फोर 17, माइनस एक्स ज़ीरो 5, फिर 17 माइनस एक्स वन 7,
फिर 17 माइनस एक्स टू 11, फिर 17 माइनस एक्स थ्री 13, और यहाँ वाई फोर की वैल्यू होगी, वाई फोर की वैल्यू होगी 5202। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपली न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ये सबको जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट आएगा -16.67, इसको सॉल्व करेंगे तो 209.1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1290.67, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -788.67, और लास्ट वाले को जब सॉल्व करेंगे 115.6 आएगा। टोटल को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 810.03, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 810 भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा लैग्रांजेस का जो फॉर्मूला है अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, जिसका इंटरपोलेशन निकालना है। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, टेबल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने से इसका रिजल्ट आ जाता है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।